ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. जी सबसे पहले हम कुरान पाक आप खोलें और कल की असेसमेंट के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने लेसन सुना है आप लोगों का तो काफ़ी स्टूडेंट्स को रॉ की तरकीक जो है वो आ रही थी, अदायगी अच्छी कर रहे थे. इट्स मीन के जो रॉ की तफ़ीम है ना उसमें आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि रॉ की तफ़ीम एक्चुअली थोड़ी मुश्किल है. ज़ुबान को उठाना, ज़ुबान के मखरज और उसकी सिफ़ात का ख्याल रखते हुए पढ़ना, जो रॉ की तरकीक है वो मुश्किल नहीं है, ना ही उसकी इतनी अकसाम है और ना ही पढ़ने में मुश्किल है. तफ़ीम भी पढ़ने में मुश्किल नहीं है लेकिन बस वो थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है और जब वो आ जाती है तो माशाल्लाह वो भी आसान हो जाती है. ठीक है, चीज़ें तब तक ही मुश्किल होती हैं जब तक वो आपकी पहुँच से दूर होती हैं. चलिए कुरान पाक खोलें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم रहीम. ठीक है, बारिक अल्लाह फीक. इस्लाह की बातें नोट कर लें. एक तो जो इख्फा है उसकी मकदारें कम थी ना, जहाँ पर भी इख्फा है उसकी मकदार कम की है आपने. कुल कुंतुम, ठीक है, तो हिब्बुन अल्लाह में जब आपने पढ़ा हो यहाँ पे आपने स्टॉप किया है तो हिब्बुन अल्लाह, ठीक है, अलिफ मद्दा की मकदार को पूरा करके आपने स्टॉप करना है. नाक बंद है ना इसलिए वो साफ ही नहीं निकल रही. चलें ठीक है, बाबा सतूर इंशाल्लाह. फतबीउनी युहबिब, इसको यो नहीं पढ़ना, इसको यू पढ़ना है, यू. ठीक है, इस ऐसे अल्फाज के अंदर हाँ जी कलकला दोबारा करें, दोबारा से पढ़ें. अभी जो आपकी आवाज़ आ रही है वो यह की आवाज़ आ रही है, यू पढ़ना है, यू जैसे इंग्लिश में होता है ना यू, यू से पढ़ें. हाँ जी, युह युह युहबिब कुमुल्लाह. सेकंड ये जो है ना वो यग़फिर लकुम में रॉ को नहीं हिलाना, इसको भी दोबारा पढ़ें. यग़फिर लकुम जी, गैन को आपने हैवी भी करना है लेकिन गैन की जो गईन की जो कॉर्नर साउंड है ना उसको भी आपने अदा करना है. यौग में तो आवाज मोटी हो रही है लेकिन गईन की कॉर्नर साउंड नहीं आ रही, यौग आवाज आनी चाहिए, हल्क में आवाज आनी चाहिए. जिस हर्फ को हमने मोटा करना है ये पुख्तगी होती है और ये हमारी इम्प्रैक्टिस है कि जिस हैवी लेटर को हम हैवी कर रहे हैं साथ में अगले लेटर को भी हैवी कर रहे हैं वो नहीं. या बारीक है वयग़फिर लकुम, वयग़फिर लकुम नहीं, वाइन को हिलाना नहीं है. वयग़फिर लकुम इसको प्रैक्टिस करना है आपने, गैन को हिलाना नहीं है ना रॉ को हिलाना है. ठीक है, वयग़फिर लकुम फिर, क्योंकि यहां मुझे बताएं कि रॉ बारीक पड़ा जाएगा या हैवी. बारीक पड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन भी कम होती है. वयग़फिर लकुम, वयग़फिर लकुम, ठीक है. आगे ये जो ज़ुनूबकुम है ना, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी देख लें, इसको ज़ा नहीं पढ़ना, ज़ू पढ़ना है. ज़ुनूबकुम, ज़ुनूबकुम. अच्छा मुझे बताएं कि ज़ुनूबकुम वल्लाह मीम साकिन के बाद वाव है, यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है? जी तुम पे आधार कैसे हो रहा
ठीक है शाबाश, बारिक अल्लाह फीक। ठीक है जी, बारिक अल्लाह फीक। बारिक अल्लाह फीक, शाबाश। ये जो वर्ड है व रसूल नहीं है, व रसूल, इसको फिर से पढ़े। शाबाश। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो वर रसूल में रॉ है ये इसके बारे में बताएं, तरकीक में आता है, तफ़ीम में आता है, किस में आता है, और अगर तरकीक तफ़ीम किसी एक में से है तो किस किस्म में है, कौन सी किस्म है इसकी, वो बताएं। तफ़ीम में आता है, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا 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 وعلى ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران وعلى عمران على العالمين। अच्छा जो स्टूडेंट जो है ना थोड़ा स्पीड से पढ़ती हैं, मैं कहती हूँ ज़रा आहिस्ता पढ़ें, क्योंकि आहिस्ता पढ़ेंगे तो फोकस ज़्यादा करेंगे कि किसको क्या पढ़ रहे हैं हम। और अच्छा आप लोग ये फील करते हैं कि जब आप लोग खुद पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने लहजे, अपनी आवाज़ और अपना जो तरीका अदायगी है उसको भी देख रहे होते हैं, या बस आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे वनूह आला इब्राहिमा, जब आप पढ़ते हैं आप देखते हैं कि मैंने आला इब्राहिमा पढ़ा है कि आला इब्राहिम पढ़ दिया है, हमजा को मैंने कैसे पढ़ा है, खुद अपनी आवाज से अपनी गलती को निकालते हैं। इस आयत में क्या गलती की आपने? पहले तो मैं इसको मतलब अच्छा इसमें फराबाजी आपने ना जहां भी हमजा है ना उसको आपने नरमी से पढ़ा है, उसको सख्ती से नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। वनूहं व आला इब्राहिम, और यहाँ पे व आला इमरान, ठीक है। तो अपनी तिलावत में, अपनी तिलावत को थोड़ा इतना ठहराव से पढ़ें कि दूसरे की बजाय आप खुद अपनी तिलावत से गलतियां निकाल सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, बारकल्लाहु फीक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم। बारिक अल्लाह फीक जी, बताइए फौजिया बाजी आप अपनी तिलावत को बताइए, एक्सप्लेन करें कहाँ पे कैसे पढ़ा आपने। मैंने जब पहला बाजुहा पढ़ा तो उसमें ज़ौर जो है उसको थोड़ा सा दौ की आवाज जो है उसमें निकाली है, और बाकी तो मुझे नहीं कोई पता चल रहा, बाकी आप बता दें। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि अभी काफी जरूरत है कि अपनी तिलावत से खुद मिस्टेक्स पकड़ने वाली। ये जो मैं आपको लोगों कहती हूँ ना कि अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद सुना करें, अगर तो आप लोग इस फार्मूला पे काम करना शुरू कर दें, यकीन मानने कि आप अपनी तिलावत से गलतियां निकालने वाले बन जाएंगे, क्योंकि तिलावत बार बार सुनेंगे बार बार सुनेंगे तो उससे पता लगेगा कि कहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। पर अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट मिल नहीं रहा मुझे जो इस तरह से वर्किंग करे। आपने जब काफी दफा अपनी रिकॉर्डिंग करके जब आपको सेंड करना होता है ना, कोई भी जो होमवर्क है वो सेंड करना होता है, तो मैं उसको तीन चार दफा भी कई दफा मेरी अपनी मुझे लग रहा होता है सुनने के बाद के मैंने फलां चीज की गलती किया, तो फिर वो मैं उसको दोबारा से सही करके फिर जो है करती हूँ रिकॉर्डिंग, फिर शाबाश फिर सेंड करती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रह जाए उसमें, ये ठीक है कि हम अभी बिल्कुल परफेक्ट हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जरूर वो इम्प्रूव करेगा।
और एटलीस्ट अपनी मिस्टेक जरूर पकड़ेगा। यहाँ पे जब आपने पढ़ा है ना बर, इकलाब की मकदार पूरी नहीं की आपने, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है वल्लाहु को आपने सही से हैवी नहीं किया, दोबारा पढ़े जरा वल्लाहु। हाँ जी, ये जो समीउन ऐसे आवाज उठी है यहां से नून साकिना की, समीउन अलीम, आप कैसे पढ़ेंगे वल्लाहु समीउन अलीम, थोड़ा सा ठहराव करें समीउन अलीम, जैसे नून की आवाज को थोड़ा पकड़ेंगे आप, उन ऐसे नहीं पढ़ना आपने। अब दोबारा से पढ़ें, शाबाश फौजी बाजी पढ़ें। वल्लाहु समीउन अलीम, ऐसे नहीं वल्लाहु समीउन अलीम, हमने कोई इख्फा नहीं करना यहाँ पे, समीउन अलीम जी। वल्लाहु समीउन अलीम, अभी बेहतर पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये जहाँ पर इजहार आ रहा होता है ना, खासतौर पे इजहार हकीकी, वहाँ पे स्टूडेंट जो है पेश तनवीन के साथ ऐसे ही करते हैं, बस ज़रा तहम्मुल से पढ़ लें तो ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि ज़ुर्रियतम बे जो रॉ है वो कौन सी हालत है, एक्सप्लेन करें इस रॉ को। इसमें जो है ये तरकीक हो रही है इसलिए कि रा शब्द जो है उसके नीचे ज़ेर आ गई। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी ठीक है, बारिक अल्लाह फीक। यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिरदौस, सॉरी फरीदा यूसुफ। फरीदा यूसुफ बाजी आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, शुरू करें जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم। بارك الله فيك فريدة باجي، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ نے بڑا ٹھہراؤ سے پڑھا ہے، بڑے آرام سے پڑھا ہے، ये चीज़ रिक्वायर होती है। अच्छा एक मिस्टेक हो गई इसमें, इफ कॉलतिम रअतु, रअतु इसको दोबारा पढ़ें जी। इफ कॉलतिम रअतु, शाबाश। अच्छा जी रिम रअतु, हाँ जी वो मैंने थोड़ा सा सांस रोक के कहा रिम रअतु। हाँ अभी मैं कोशिश करती, पहले मैं बहुत तेज पढ़ती थी लेकिन अभी कोशिश यही कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ठहर के आस्ता आस्ता पढ़ू। हाँ। जैसे आपने कहा था तरतील के हाँ। साथ, अभी वही कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए उसका कितना अच्छा असर आया है कि आपने कितनी अच्छी आयत पढ़ी है। अच्छा दूसरी चीज ये है जी, बहुत ज्यादा दूसरी चीज ये है कि जब आपने रब्बी इन्नी, थोड़ा सा ना जैसे इन्नी यह मदा की एक अलिफ से ज्यादा मकदार लंबी हो गई थी, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। जब आपने वक्फ करना है किसी या मद्दा पर, या मद्दा किसी लफ्ज़ में आता हो और उस पर आपने वक्फ करना है तो उसकी एक अलिफ जितनी मकदार है हम ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक इस पोर्शन में जरा दोबारा पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी इसके पीछे आपने पढ़ना, ठीक है। मुहर्रम फतकब्बल मिन्नी, इसको पढ़ें محررم فتقبل مني, شاباش۔ اس میں اخفاء کو باریک کریں, محررم ہونٹوں کو پھلا کے, محررم ہونٹ نہیں پھلا رہی ہیں آپ, ہونٹ پھلائیں, محررم جی ہونٹ زیادہ پھلائیں, محررم اور ہا
हाँ थोड़ा बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है थोड़ा। मुहर्रम जी मैं शाबाश, प्रैक्टिस करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि मुहर्रम में ये दो रा है, इन दोनों को एक्सप्लेन करें, तफ़ीम तरकीक में कौन सी किस्म आती है इनकी? मुहर्रा पर जहाँ पर जो है रा यहाँ पर मोटी पड़ेंगे क्योंकि रा पर तशदीद है और उस पर जबर है, तो यहाँ पर रा पर जो है मोटी पड़ेंगे। और मुहर्रम तो रंग मुहर्रा रंग ये भी रा जो है ये भी मोटी पड़ेंगे। ठीक है, मुहर्रा मुहर्रा रंग ये भी मोटी पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक फा हो रहा है ना, मुहर्रा रंग तो नहीं मोटी इफ़ा पड़ेंगे। की वजह से तो रॉ मोटी नहीं होती ना, वो तो उसके ऊपर दो ज़बर हैं, वो तो उसकी वजह से ये होगी। ऐसे आपने बताया नहीं लेकिन इसका मुझे ये पता है कि हाँ तो जो दो ज़बर दो पेश के साथ जी रॉ आती है ना, नहीं क्या कहती ये जो है ना मुशद्दत अली जी जो दो हाँ जी 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 ज़बर, समझ गई ये है ये वो आपने बताया था कि ये मुरामा नहीं मुरामा मजमूमा वाली तो फिर इसमें और पेश चीज़ है वाली ना, वो तो सॉरी जी मजमूमा आप बताएं। है। मुरामा मजमूमा में तो नहीं, वो पेश मजमूमा है। जी जी हाँ जी मैं समझ गई वो जी, मैं समझ गई एकदम शहर में है मैं समझ गई वो ये वो नहीं है। हाँ आप बताइए जी, आप एक्सप्लेन कर दें क्योंकि दो जगह का नहीं था वो मुझे समझ आ रही। दो जबर का वही रूल होता है जो जबर का रूल है। जबर के साथ मोटी रा है तो फिर दो जबर से भी मोटी रा है, पेश के साथ मोटी रा है तो फिर दो पेश के साथ भी मोटी रा ही होगी। ठीक है, चलो ठीक हाँ जी शाबाश, पढ़ना शुरू करें नेक्स्ट टाइप। जी बाजी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعت سوري فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم बारिक अल्लाह फीक। अच्छा वैसे आपने आयत अच्छी पढ़ी है, जी बोलिए दो जगहों पे जैसा कि हुआ है। एक तो ये है ना वज़ुर्रियतः, जब आपने एक दफ़ा पढ़ा है, जब आपने अयादा किया तो ठीक था, जब आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा है तो आपने रा और या की तशदीद जो है उसकी ग्रिप कमज़ोर की है। ठीक है, वो उस तरह से सख्ती से जी नहीं बाजी पढ़ा गया। वज़ुर्रियतः एक चीज़ यहाँ पर, जी और दूसरा यहाँ पे आपने पढ़ा है व इन्नी समय तू है, सम पर आपके गुना की मकदार कम हो गई थी, तो ये रिलेटेड टू लहने जी खफी चीज़ें बाजी होती हैं। ठीक है, हाँ जी, जी बाजी बाजी ये इंशाल्लाह मैं या को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे भी मेरी ग्रिप इसीलिए भी कमजोर हो रही है। वो यहाँ पे आपने बताया था ना मेरी ज की साउंड निकलती है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरी वो बेहतर हो जाए कि मेरी जबान प्रॉपर मखरज को लगे और ज की जो साउंड निकलती है वो ना निकले। उसका, सच में जरा ज्यादा मेरे से वो हो जाता है, मैं हाँ बहुत जी कॉन्शियस। ठीक है, उसका मैंने बताया था ना आपको कि उसमें ज्यादा नहीं होता, उसमें क्या होता है कि जुबान का जो वस्त है और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है ऊपर तालू से लगाएं, और जुबान के जी जो बारीक किनारे हैं ना, जो अतराफ जिनको कहते हैं, जो दांतों के सामने है राइट एंड लेफ्ट, इनको बस आपने ऊपर नहीं लगाना। जैसे ही आप इसको नहीं लगाते आपका जीम भी ठीक है, आपका या भी ठीक है, आपका शीन भी ठीक है। ठीक है, जी बाजी इंशाल्लाह मैं इसमें बहुत प्रैक्टिस करती और इंशाल्लाह करती रहूंगी इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسنا فتقبلها ربها
بقبول حسنات وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب बारिक अल्लाह हाफिज़। जी बाजी बताना चाहेंगी? जी मैंने कोशिश तो की थी कि जहाँ पे एकदम से मुझे फील हो जैसे बगैरी हिसाब में, हाँ में जो है मेरा हम्स कम था और सीन की सीटी भी थोड़ी कम फील हुई, तो मैंने उसको दोबारा से याद किया उसको। इसी तरह पहले जब मैं स्टार्ट में मैंने किया था फतकब्बलहा रब्बुह बिलकबूल, जहाँ मैं मैंने खफा करे हालांकि आगे हरूफ हल्की था तो यहाँ पे इजहार होना था, तो जहाँ पे मुझे फील हुआ मैंने कोशिश की कि उसको दोबारा से रिपीट। ठीक है जी बारिक अल्लाह फीक। सबसे पहले तअव्वुज़ के अंदर आपकी जब आपने पढ़ा था मीन शैतानिर्रजीमे निर्र, इसमें आपकी ग्रिप कमजोर थी। ठीक है, आपको पता है कि तशदीद वाली रॉ दो दफा अदायगी देती है, तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? निर्रजीम, ठहराव डेफिनेट होगा, आपका ठहराव कम था। दूसरी चीज ये कि आयत के अंदर जैसे आपने लफ्ज को थोड़ा ठीक नहीं पढ़ा, भी कबूलिन जैसे आपने दोबारा अयादा करके उसको दुरुस्त कर लिया, लेकिन हसना त्यूं कुछ पढ़ा आपने यहाँ पे, तो ये हसा न्यू न्यू पढ़ना है आपने। ठीक है, हसा न्यू व अम बत, ठीक है, हसन यू व अम बत, और व अम बत न बतन हसना। ठीक है, आपने अयादा ठीक किया। जब आपने ज़करिया पढ़ा तो आपने ज़करिया पढ़ दिया, इसको जरा दोबारा पढ़े इस लफ्ज को। ठीक है, अभी बेहतर है। दूसरा, यहाँ पे वाजिदा को आपने जीम की वाजिदा कुछ पढ़ दी है, वाजिदा पढ़ा आपने, तो ये है वाजिदा। ठीक है, वाजिदा। हब ली मिन लदुंक ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउ दुआ। ठीक है, बारिक अल्लाह फीक। जी बताएंगे आप अपने बारे में? जी मैं दो तीन जगह पे गलती कर गई हूँ, मुझे फील हुआ। एक तो मेरा इख्फा बरीक था, वो पूरा नहीं था, ये ज़ुर्रियतन तय्यिबा के। ठीक है, और इससे पीछे थी एक गलती, ये मिल्ला दोन पे मैंने पहले वो ऐसे गुमना टाइप कर दिया था, और आगे एक जगह पे मेरा इख्फा भी गलत हो गया है। ठीक है, शाबाश। वैसे आपने काफी अच्छी गलतियां पकड़ी हैं अपनी, तो ये आपका यहाँ पे इख्फा हैवी क्यों नहीं हुआ? ज़ुर्रियतन तय्यिबा, दो दफा कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ, मुझे खुद फील हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी दफा पढ़े, दोबारा पढ़े, जुबान की जड़ को उठा के पढ़े। ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अभी बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। जी रबिया मजहर, दोबारा जो नेक्स्ट आगे आए थे उसको पढ़ना शुरू करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا وسجدا وحسورا ونبيا من الصالحين. بارك الله فيك شاباش. अभी मज़र आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, अदायगी और रूल्स की पुख्तगी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है आपकी. बारकल्लाहु फ़ीक, अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद, आमीन. जी यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगी जी, यहाँ पर मौजूद हैं सलीम समीना, काइंडली माइक अनम्यूट करें. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي أقرا أقر وامرأتي أقر قال ذلك الله يفعل ما يشاء. ठीक है, बारिक अल्लाह फीक. अच्छा ये नोट कर लें. बहुत गलतियाँ होती हैं. आप ही बता दें, मुझे पता है मैं अभी बहुत गलतियाँ करती हूँ. कोई बात नहीं, बस आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुस्तकिल रहें. गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आप लोग कितना मुस्तकिल हैं क्लास में, कॉन्सिस्टेंसी है, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, लेसन पढ़ते हैं, ग्रुप में सुनाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है. गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है जी, तो पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन चूंकि जब इन प्रोसेस चीज़ होती है तो फिर कमी कोताही तो सामने नज़र आती है. अच्छा यहाँ पर यह है, इसको दोबारा पढ़ें. गुलाम वक़द बलगनी अल-किबर, इसको दोबारा पढ़ें. लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बाला गानी यल में कोई अलिफ नहीं है. वाकई वो मजे भी हो गई, मजे ऐसी भी हो गई है, और काफ भी मैंने हलक वाला अदा किया है, हल्क वाला अदा किया है क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ना था. जी पढ़े. वलगनियल किबारु, शाबाश. आगे पढ़े. वमराती आकिर, अब देखिए आइन के साथ अलिफ है. आकिर, आइन को मोटा नहीं करना. आकिर, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना अलिफ लंबा होता है बस उतना ही करेंगे. और काफ के नीचे ज़ेर है तो की पढ़ेंगे. की, किर. ठीक है जी, आप ज़रा क्योंकि आपकी तिलावत में थोड़ी लहने जली है, इसलिए बहुत ध्यान से सबक पढ़ा करें और ठहराव से आहिस्ता आहिस्ता दो दो तीन तीन लफ्ज़ को गौर किया करें कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है कि नहीं. आप गौर ज़्यादा किया करें अपनी तिलावत में. चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आयत नंबर 41 है यहाँ तक आपका रुकू कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आपका लेसन है जिसको आपने 7 times पढ़ना है. ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपको रॉ की तफ़ीम की जो हालतें हैं 12 वो सबको याद है, और रॉ की तरकीक में जो हमने दो मज़ीद उसकी नेक्स्ट हालतें पढ़ी हैं वो भी याद है, ये ज़रा मुझे बताइए. एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ. एक्टिविटी ये है कि रॉ की तफ़ीम में जो आपने, अब आपने क्या करना है, नोट्स अभी बंद रखें, नोट्स पर नहीं देखना, मेरी आवाज़ पर फोकस करें.
और अपने जहन पर फोकस करें, क्योंकि आपको जो मैं बताऊंगी वो आपने अपने जहन में रिकॉल करना है, ठीक है। आपने रॉ की तफहीम में जो तीन हालतें पढ़ी थी, रॉ साकिना की, ठीक है, रॉ साकिना की तीन आपने हालतें पढ़ी थी, वो कौन सी थी? वो ये वाली थी कि रॉ साकिन मा कबल कसरा आरजी, अगर हो तो रॉ हैवी रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कसरा आरजी है, टेम्प्ररी है, इसलिए वो कसरा रॉ की तफ़ीम पर असर अंदाज नहीं होती, ये आपको बात याद है ना। फिर आपने पढ़ा था कि रॉ साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलीमा में, तो दूसरे कलीमा की रॉ थी, अपने कलीमा की नहीं है, इसलिए उस कसरा ने इस रॉ को बारीक नहीं करना, ये तफ़ीम के साथ ही पढ़ा जाएगा, ये बात भी आपको याद है। तीसरा आपने पढ़ा था कि रॉ साकिन मा कबल कसरा मा बाद हर्फ मुस्तालिया, ये रॉ भी मोटा पढ़ा जाता है, जैसे फिर पतिन तेरो पौसिन, ठीक है, ये मिसालें थी, और मीर सौद। अब ये तीन मिसालें आपको अच्छे से याद है। एक्टिविटी ये है कि अभी सब लोग जो हैं इन तीन जो मैंने अभी बता दी हैं, बल्कि मैंने आपको रिकॉल करवा दी हैं, अब आप ये तीनों मिसालें खुद मुंह से पढ़ना शुरू करें, ठीक है, जुबानी रिकॉल करें, और जब आपकी रिकॉल हो जाए ओके का साइन सेंड करें, फिर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये आपको रिकॉल हो गई हैं, ठीक है। अब जब आप रॉ की तरकीक में आ जाएं, अब आप अपना रजिस्टर खोल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ना है। अच्छा, जब रॉ की तरकीक आपने स्टार्ट की कल, तो आपने पढ़ा कि रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ बारीक है, अंडरस्टूड चीज़ है। क्यों? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था, बहुत दफ़ा ये चीज़ बताई भी है, कि रॉ के नीचे जेर है, रॉ क्यों बारीक है, ऐसी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों बारीक है रॉ? तो असल में हमने जब जेर का मखरज पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जेर जो है वो होंठों को झुका के भींच के पढ़ी जाती है, ठीक है, और जो जबर है उसका जो मखरज था वो हमने पढ़ा था कि वो इन्फताह फम होता है, मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, इसलिए जब जबर किसी हर्फ पे आती है तो वो उसको मोटा भी करती है, ठीक है, तो ये उसका कनेक्शन है। इसलिए जब रॉ के नीचे जेर आती है तो रॉ जो है वो बारीक कर देती है, ठीक है। अब रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ बारीक है, रॉ मुशद्दद के नीचे जेर है तो भी रॉ बारीक है, जैसे आपने पढ़ा मीनर री ही, और जो आज लफ्ज ज्यादा पढ़ा जा रहा था जुर्रियत, जुर्रियत, ठीक है। आज हम तीसरी पढ़ेंगे। आप देखें, मैंने कल बताया था कि तफ़ीम में जबर और पेश ये बुनियादी चीज़ें थी आपकी, ठीक है, रॉ के ऊपर हो या रॉ साकिन है तो उससे पहले हो या बाद में हो, तो जबर पेश ही आप पढ़ते रहे थे। लेकिन जब आपने तरकीक पढ़नी है तो तरकीक में सिर्फ आप जेर को पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखें कि तीसरी किस्म जो है वो कौन सी होगी, कि रॉ साकिन मा कबल कसरा या जेर हो तो अभी रॉ क्या होता है, बारीक होती है, ठीक है। अब देखें, रॉ खुद साकिन है, उसके ऊपर कोई हरकत अलामत नहीं है, अलामत सॉरी है, हरकत नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे पहले हर्फ पर कौन सी हरकत है, तो अगर जेर है तो रॉ जो है वो बारीक है। जैसे कुरान पाक में क्या आता है, फिर आऊना, तो रॉ साकिन है और फा के नीचे जेर है, तो आप पढ़ेंगे फिर मोटा नहीं करेंगे बल्कि फिर आऊना। कुरान पाक में ये भी आता है अंजिर नून जाल रॉ, तो ये जो रॉ है ये साकिन है, उससे पहले जाल के नीचे जेर है, तो ये रॉ कभी भी मोटा नहीं होगा, वक्फ की सूरत में ये पढ़ा जाएगा अंजिर जिर जीरो, ऐसे नहीं पढ़ना अंजिर जिर, ठीक है। तो आज जो आपने किस्म पढ़ी वो ये है कि रॉ साकिन मा कबल कसरा। अब मैंने जो आपको अभी एक्टिविटी करवाई है, थोड़ा आप इसको साथ में कनेक्टेड करें, कनेक्शन करें इसका, कि जब आपने तफ़ीम पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि रॉ साकिन जब मा कबल कसरा आती है तो हम तीन चीज़ें देखते हैं, कि वो कसरा जो है वो कसरा आर्जी हो, वो कसरा जो दूसरे कलीमा में हो, वो कसरा जो जिसके बाद
हर्फ मुस्ताली आ जाए। तो वो तफहीम में आपने पढ़ा था कि वो रा वो जेर जो है ना वो कोई असर नहीं रखती, रा मोटे का मोटा ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम तरकीक पढ़ रहे हैं, आप तरकीक पढ़ रहे हैं, अब वही तीन चीज़ें अपने जहन में रखें। सबसे पहली चीज़ कि जब रॉ साकिन के माँ कबल, अब आपने बहुत गौर से बात को सुना, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ गौर से सुने बात को, आवाज़ पर फुल फोकस रहे कि जब रॉ जो है वो साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो सबसे पहले आप उसी तरह तीन चीज़ें देखेंगे जो आपने तफ़कीन में देखी थी। नंबर वन, कसरा असली हो, वहाँ पर क्या थी? आरजी, ठीक है, आरजी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कहेंगे आरजी नहीं बल्कि असली होनी चाहिए। अब देखें फिर आउना, फा के नीचे जेर है, ये इसकी असली है कि आरजी है? डेफिनेट असली है, ठीक है। इसलिए असली है तो रॉ को बारीक कर रही है। अगर ये होती आरजी तो ये रॉ को कभी बारीक ना करती, रॉ मोटा रहता और ये तफ़कीम में चला जाता। चलिए जी, आज फिर हमारा लेसन जो है वो आयात हमने पूरा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और रॉ साकिना की एक ही तीसरी किस्म की है जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था रॉ की तफ़कीम में से एक पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, थोड़ा वर्किंग करके आएंगे, थोड़ा समझ के गौर व फिक्र करके आएंगे, तो आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट भी समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़ के आएंगे, वीकेंड आ गया ना दरमियान में, तो अपने लेसन को नहीं छोड़ना, जिम्मेदारी के साथ इसको करना है, पढ़ना है, अटेंटिव रहना है, रेगुलर रहना है, इस्तकामत के साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, आसानियों के साथ रखे, सेहत की आजमाइशों से बचा के रखे, अपनी पनाह में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.